दोस्तों आप जब भी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो पर 12 घंटे यानी 24 घंटे यानी कि अमेरिकी में बताया जाए तो एक दिन तक आपके वीडियो पर व्यूज आता है, लेकिन एक दिन के बाद आपके वीडियो पर व्यूज रुक जाता है, यानी कि अचानक से व्यूज रुक जाता है। अब ना ही उस वीडियो पर व्यूज आता है एंड ना ही उस वीडियो से आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और दोस्तों ये प्रॉब्लम ना हर एक न्यू क्रिएटर के साथ होता है। जो बंदा YouTube नया स्टार्टिंग करता है तो उसको YouTube के बारे में पता नहीं होता है ना, उसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आप अपने चैनल में कर लेते हैं तो आपके हर वीडियो पर व्यूज रुकेगा नहीं, यानी कि कितना भी पुराना वीडियो होगा ना तो हर वीडियो पर आपको व्यूज मिलता ही रहेगा, चाहे एक व्यूज मिले चाहे दो मिले चाहे पाँच मिले, लेकिन हर वीडियो पर व्यूज मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही एक न्यू क्रिएटर हैं तो मुझे पता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा, यानी कि आपके वीडियो पर व्यूज रुक जाता होगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा सेटिंग है एंड कैसे करनी है। आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि जिस वीडियो में आपको सेटिंग करनी है ना उस वीडियो को एक दिन बाद मतलब ओपन करना है। मान लीजिए कि आज कोई आपने वीडियो अपलोड किया है तो उसको एक दिन बाद ओपन करना है। ध्यान रखना कि एक दिन बाद ही ओपन करिएगा तो ही आप में ये मतलब कि फीचर शो होगा। अब करना क्या है कि उस वीडियो को ओपन करने के बाद देखिए नीचे में आपको गो टू एनालिटिक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पर रीच वाले सेक्शन पे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आइएगा तो नीचे में आइएगा, देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म। अब ध्यान से समझना मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं आपके मतलब की वीडियो पर भी शो हो रहा होगा। आपके जो भी टॉपिक होगा ना टॉपिक के अनुसार आपके में कीवर्ड आ रहा होगा। देखिए मेरे में आ रहा है मिसलीडिंग मेटा डाटा मोनेटाइजेशन रिजेक्टेड। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है ना कि आपने भी कुछ इस प्रकार से कीवर्ड्स होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस कीवर्ड को अपने कॉपी पर नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको करना क्या है, अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर जाना है एंड जो भी आपने कीवर्ड को सर्च में मतलब कि कॉपी पर लिखा ना या फिर स्क्रीनशॉट लिया उस कीवर्ड को अपने टैग वाले सेक्शन में डाल देना है। ध्यान रखना उसी कीवर्ड को अपने टैग वाले सेक्शन में डालना है, ध्यान रखना इसी बात को। अब दोस्तों देखिए इससे प्रॉफिट क्या होता है, मान लीजिए कि उस कीवर्ड को आपने टैग वाला सेक्शन में डाल दिया तो अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है ना कि उस कीवर्ड को जो भी बंदा सर्च कर रहा था तो आपकी वीडियो ओपन हो रही थी, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं था ना कि आपकी वीडियो एक नंबर पर ओपन हो रही है या पाँच नंबर पर या फिर हर बंदे के पास ओपन हो ही रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है क्योंकि उस कीवर्ड को आपने टैग वाला सेक्शन में तो डाला नहीं है। लेकिन जब आप उस कीवर्ड को टैग वाला सेक्शन में डाल दीजिएगा ना तो हर बंदे के पास आपकी वीडियो ओपन होगी, यानी कि जो भी बंदा उस कीवर्ड को सर्च करेगा ना तो आपकी वीडियो ओपन होने का 90% चांस बनता ही है। अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं तो आपको अपने वीडियो में ये सेटिंग करनी ही पड़ती है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना सभी लोग करते हैं, तो आप लोग भी ये करिए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर होते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं अपने टैग को चेंज करते रहते हैं, तो यही तो होता है। अगर आप अपने वीडियो का टैग को चेंज कर रहे हैं ना एक दिन बाद अपने मतलब कि वीडियो के अनुसार रीच वाले सेक्शन में जा करके चेक करके कि आखिर हमारे जो वीडियो है ना किस टैग पर रैंक कर रही है, तो उस टैग को यहाँ पर आपको डालना पड़ता है, तो आपकी वीडियो कभी भी रुकती नहीं है, हर वीडियो पर हमेशा व्यूज आता ही रहता है। एंड मैं भी खुद करता हूँ, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो आप लोग को ये सेटिंग हमेशा करना, जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना एक दिन बाद आपको टैग चेंज करना ही करना है। अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं तो आपके किसी भी वीडियो पर व्यूज रुकेगा नहीं, हमेशा व्यूज आता ही रहेगा। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।